हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सक्सेस मंत्र एजुकेशन में। मेरा नाम है राजेश कुमार और आज का हमारा ये वीडियो है, स्टैटिक जीके का चैप्टर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो आज के इस वीडियो में मैंने अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए और जिनकी सबसे ज़्यादा संभावनाएँ होती हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स होंगे, वो मैंने सारे इसके अंदर कवर कर दिए हैं। तो आपको ये वीडियो देखने के पश्चात कहीं से बुक में से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन, मान लो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क से स्ट्राइक करता है, तो आपको ऑलमोस्ट इसी वीडियो के अंदर से वो क्वेश्चन मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पर एनिमल के साथ साथ वहाँ की वनस्पति, वहाँ के बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ह्यूमंस एक्टिविटी, कुछ ह्यूमंस एक्टिविटी अलाउड होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ के जो नेटिव पीपल्स होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, वो वहाँ पर घास काट सकते हैं, खेती कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं। ये कुछ सुविधाएँ होती हैं जो छोटी छोटी सी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर दी जाती हैं। बट नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क के अंदर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। नेशनल पार्क में भी पर्टिकुलर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को प्रिजर्व करके रखा जाता है। बट डिफरेंस क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के अंदर, कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउ कर दिया जाता है, बट नेशनल पार्क में बिना परमिशन के कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। बस यही एक डिफरेंस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बीच में। 2015 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब तक 540 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और 103 नेशनल पार्क्स हैं, 103 नेशनल पार्क्स हैं। तो इंडिया का पहला नेशनल पार्क 1936 में बना था, इंडिया का पहला नेशनल पार्क 1936 में बना था, जिसका नाम था हेले नेशनल पार्क, और आज उसे हम जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से। और ये कहाँ है? ये है उत्तराखंड के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला हमारा नेशनल पार्क है वो है हमारा बहुत ही फेमस, बहुत ज़्यादा बार काफ़ी एग्ज़ामों के अंदर रिपीट हो चुका है ये, कि काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क की लोकेशन है ये असम में पड़ता है, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए यहाँ इसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। यूनेस्को ने इसे 1985 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया है। इसका एरिया 430 स्क्वायर किलोमीटर का है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम स्टेट के अंदर पड़ता है, और यहाँ पर क्या मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज़, एक सींग वाले गैंडे को प्रिजर्व करके रखा जाता है। दूसरा है हमारा हुलोन गापर गिबून सेंचुरी, इंडिया का एकमात्र हेलोक गिबून यहाँ पर पाया जाता है। इसे 1997 के अंदर बनाया गया था। हुलोन गापर गिबून सेंचुरी जोरहाट असम के अंदर पड़ती है, ये भी असम के अंदर है। इसमें कुछ इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट स्पीचीज इसके अंदर जो पाई जाती हैं, वो है हमारी वाइल्ड बोर, जंगली सुअर, और मकाओ। मानस नेशनल पार्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी काफ़ी एग्जाम में बहुत बार ज़्यादा रिपीट हो चुका है, मानस नेशनल पार्क। तो मानस नेशनल पार्क का नाम वहाँ पर बहने वाली नदी मानस के नाम पर पड़ा है, जो कि एक ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ये मानस नदी मानस नेशनल पार्क के ठीक बीचों बीच बहती है, इस मानस नदी के नाम पर ही इसका मानस नेशनल
पार्क पड़ा है, और ये इंडिया का एक टाइगर रिजर्व है। ये इंडिया का 48 में से एक टाइगर रिजर्व है। इंडिया में अराउंड 48 के अराउंड टोटल टाइगर रिजर्व हैं, तो उनमें से मानस नेशनल पार्क एक है। मानस नेशनल पार्क आपका बारपेटा असम में पड़ता है। यूनेस्को ने इसे 1985 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज, जैसे कि मैंने बताया कि ये टाइगर रिजर्व है, तो टाइगर, एलिफेंट, पैंथर, वाइल्ड बफेलो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसका एरिया है 950 किलोमीटर स्क्वायर, और इसे 1990 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है हमारा बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क ये भी काफ़ी बार बहुत एग्ज़ामों में रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो बांदीपुर भी हमारा 48 टाइगर रिजर्व में से एक है। इसे 1974 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। बांदीपुर नेशनल पार्क आपका मैसूर डिस्ट्रिक्ट स्टेट कर्नाटका के अंदर पड़ता है। इसमें पाए जाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज जैसे कि टाइगर, एलिफेंट, भालू, पैंथर। इसका एरिया 874 स्क्वायर किलोमीटर का है। इसे सन 1974 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। मुद्दुमलाई नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मुद्दुमलाई नेशनल पार्क ये भी हमारा 48 देश में प्रेजेंट 48 टाइगर रिजर्व में से एक है, और ये नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। इसे 1940 में स्थापित किया गया था। इसका एरिया 321 स्क्वायर किलोमीटर का है। इसमें पाए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जैसे कि इंडियन एलिफेंट है, बंगाल टाइगर है, गौर और इंडियन लियोपार्ड है। और मुदुमलाई नेशनल पार्क के अंदर लगभग 266 टाइप के आपको बर्ड्स मिलेंगे। यहाँ पर 266 स्पीशीज बर्ड की पाई जाती हैं मुदुमलाई नेशनल पार्क के अंदर। नेक्स्ट है हमारा नागरहोल नेशनल पार्क। नागरहोल नेशनल पार्क को हम राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। इसे सन 1999 के अंदर देश का 37वां टाइगर प्रोजेक्ट रिजर्व घोषित कर दिया गया था। नागरहोल नेशनल पार्क या राजीव गांधी नेशनल पार्क ये आपका कोडागू कर्नाटका के अंदर है। इसे 1988 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें पाए जाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जैसे कि टाइगर, एलिफेंट, स्लोथ डियर, लियोपार्ड, स्ट्रिप्ड हाइनाज, सांबर डियर एट्सेट्रा। नागौर नेशनल पार्क का एरिया 642 स्क्वायर किलोमीटर का है, और ये कोडागू कर्नाटका में पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा बलपक्रम सेंचुरी। बलपक्रम सेंचुरी, बलपक्रम सेंचुरी है हमारी गारो हिल्स। गारो हिल्स आपको पता है, गारो खासी जनता हिल्स कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं मेघालय के अंदर। तो बलपक्रम सेंचुरी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं जैसे कि वहाँ टाइगर, एलिफेंट, बिसोन एट्सेट्रा आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को चंद्रप्रभा भी बोला जाता है। यह आपकी चंदौली उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ती है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आपको 150 प्रकार के पक्षी, 150 प्रजातियां मिलेंगी आपको पक्षी की देखने को। इसके अंदर पाए जाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं जैसे कि ब्लैक बक, चीतल, सांबर, नीलगाय, वाइल्ड बोर, जंगली सुअर, प्रोक्यूपाइन एंड चिंकोरा। इसके अंदर कुछ आपको घड़ियाल और पाइथन भी देखने को मिलेंगे। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ये है चंदौली उत्तर प्रदेश के अंदर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अभी अभी जब वीडियो शुरू हुआ तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसे 1936 के अंदर स्थापित किया गया था। जब इसे स्थापित किया गया तब इसका नाम क्या था? हेले नेशनल पार्क।
और ये यहाँ पर किसको रिजर्व करके रखा गया है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, यहाँ पर बंगाल टाइगर को प्रिजर्व करके रखा गया है। और ये इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसे 1936 के अंदर बनाया गया था। इसके अंदर 586 प्रजातियाँ माइग्रेटरी बर्ड मतलब कि जो सीजन में आते हैं, और 586 प्रकार की प्रजातियाँ आपको पक्षियों की देखने को मिलेंगी। इसमें पाए जाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं, जैसे कि टाइगर है, एलिफेंट, जैकोल, बार्किंग डियर, सांबर डियर, हॉक डियर, चितौल और सेट्रास। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? यह है नैनीताल, उत्तराखंड के अंदर। दचीगम नेशनल पार्क है आपका श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में। इसे 1981 के अंदर स्थापित किया गया था। इसमें मिलने वाली इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, जैसे कि मस्क डियर, लियोपार्ड हिमालयन सैरो, हिमालयन ग्रे लंगूर, लियोपार्ड कैट, हिमालयन ब्लैक बियर, हिमालयन ब्राउन बियर, हिल फॉक्स एट्सेट्रा। इसका एरिया है 141 स्क्वायर किलोमीटर। और दचिंगम नेशनल पार्क की लोकेशन कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया। देखिए, मैक्सिमम आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनकी मैक्सिमम पेपर के अंदर लोकेशन ही पूछता है। मैक्सिमम 80% क्वेश्चन आपको लोकेशन का ही मिलेगा। 20% क्वेश्चन में से आपको ये मिलेगा कि ये किसके किस जानवर के लिए प्रिजर्व करके रखा गया है। जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वो एक क्या है, टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो 20% क्वेश्चन आपको ये मिलेगा, 80% क्वेश्चन के जो चांस होगी हमेशा आपको लोकेशन पूछेगा। दुधवा नेशनल पार्क आपका लखीमपुर उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। वैसे दुधवा नेशनल पार्क दुधवा टाइगर रिजर्व का ही एक पार्ट है, ठीक है। इसे 1970 के अंदर बनाया गया था। इसमें मिलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज जैसे कि टाइगर, सांबर पैंथर, नीलगाय, और इसका एरिया 490 स्क्वायर किलोमीटर है। क्योलाइडियो नेशनल पार्क को हम पक्षियों का स्वर्ग भी माना जाता है, ठीक है। ये आपका राजस्थान के अंदर है, क्योलाइडियो नेशनल पार्क, जिसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है। इसके अंदर आपको 370 प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलेंगी, जैसे कि इसके अंदर आपको बास्किंग पाइथन, पेंटिन स्टॉक, डियर, नीलगाय एट्सेट्रा, और ये आपको जानवर भी वहां मिलेंगे। तो किलेडियो नेशनल पार्क आपका कहाँ है? भरतपुर, राजस्थान के अंदर। गिर नेशनल पार्क, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइस, गिर नेशनल पार्क अफ्रीका के बाद पूरी दुनिया में गिर नेशनल पार्क ही एक ऐसा प्लेस है जहां पर आपको लॉयन किंग देखने को मिलेगी। गिर नेशनल पार्क पड़ता है जूनागढ़, गुजरात के अंदर। गिर नेशनल पार्क को 1965 के अंदर स्थापित किया गया था। इसमें मिलने वाले इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं लॉयन, जैकॉल, स्ट्रिप्ड हाइनाज एंड इंडिया फॉक्स। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? लोकेशन इसकी लोकेशन है जूनागढ़, गुजरात में। गिर नेशनल पार्क ये आपका जूनागढ़, गुजरात में। हजीरबाग नेशनल पार्क है आपका झारखंड के अंदर। इसे 1976 के अंदर स्थापित किया गया था। इसमें मिलने वाले इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जैसे कि टाइगर, लियोपार्ड, सांबर, चीतल, और इसका एरिया है 186 स्क्वायर किलोमीटर। जल्दापारा नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है आपका जलपाईगुड़ी पड़ता है वेस्ट बंगाल के अंदर। इसे 1941 के अंदर बनाया गया था। इसमें मिलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जैसे कि एक सिंग वाले गेंडे, सांबर एलिफेंट, बार्किंग डियर, स्पॉटी डियर, हॉक डियर, वाइल्ड पिग्स एंड बाइसन। इसकी खास बात यह है कि काजीरंगा नेशनल पार्क के बाद इंडिया में यही दूसरा एक नेशनल पार्क है जिसमें सबसे ज्यादा एक सींग वाले गेंडे मिलते हैं, ठीक है। तो जल्दापारा नेशनल पार्क कहाँ है? यह आपका जलपाईगुड़ी
वेस्ट बंगाल के अंदर। कान्हा टाइगर रिजर्व, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है और ये मध्य प्रदेश का इकलौता सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जहां पर टाइगर को रिजर्व करके रखा जाता है। इसे 1955 के अंदर स्थापित किया गया था। इसमें मिलने वाली कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज जैसे कि आपको रॉयल अल्पाइन बंगाल टाइगर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इंडियन लियोपार्ड, द स्लॉथ बियर, बारहसिंघा, इंडियन वाइल्ड डॉग। कान्हा टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका एरिया है 940 स्क्वायर किलोमीटर। नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में और ये भारत का सबसे तीसरे नंबर का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये भारत का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसकी लोकेशन है आपकी चंगलोंग अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इसे 1974 के अंदर स्थापित किया गया था। इसमें मिलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं जैसे कि आपको यहाँ स्नो लियोपार्ड, क्लाउडेड लियोपार्ड, कॉमन लियोपार्ड और टाइगर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। नामदफा नेशनल पार्क जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, इसका एरिया है 1085 स्क्वायर किलोमीटर। यह है 1085 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। पलामाऊ टाइगर रिजर्व, पलामाऊ टाइगर रिजर्व, पलामाऊ टाइगर इज वन ऑफ द 9 ओरिजिनल टाइगर रिजर्व इन द इंडियन एंड ओनली वन इन द स्टेट ऑफ द झारखंड। मतलब कि झारखंड में यही एकमात्र ऐसा रिजर्व है जिसमें टाइगर को रिजर्व करके रखा जाता है। इसका एरिया 1026 स्क्वायर किलोमीटर है। इसे सन 1974 के अंदर स्टेब्लिश किया गया था। पलामाऊ टाइगर रिजर्व बेतला नेशनल पार्क का ही एक पार्ट है। कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है झारखंड के अंदर। पखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी पड़ती है वारंगल तेलंगाना के अंदर। इसे सन 1952 के अंदर स्थापित किया गया था पखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। और ये पखाल लेक के नजदीक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड बिसाइड द पखाल लेक। ये किसके किनारे स्थित है? पखाल लेक। पखाल लेक कहाँ पाई जाती है? ये है आपकी वारंगल तेलंगाना के अंदर और इसका एरिया है 839 स्क्वायर किलोमीटर। पेरियार टाइगर रिजर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेरियार टाइगर रिजर्व ये आपका पड़ता है, पेरियार टाइगर रिजर्व इडुकी केरला के अंदर। ये टाइगर रिजर्व के साथ साथ एक एलिफेंट रिजर्व भी है। इसका एरिया है 305 स्क्वायर किलोमीटर। इसे सन 1982 के अंदर बनाया गया था। इसमें पाए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जैसे कि आपके इंडियन एलिफेंट, वाइट टाइगर, द गोट, साइम्बल, वाइल्ड पिग, इंडियन जियांट स्क्विरल, ट्रेवन कोर, फ्लाइंग स्क्विरल, जंगल कैट एटसेट्रा आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। पेरियार टाइगर रिजर्व को थिकेडे इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचर्स बाउंटी विद एन ग्रेट सैनिक चार्म, रिच बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोवाइडिंग वेरिटेबल विजिटर सेटिस्फेक्शन। पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि इडुकी केरला के अंदर पड़ता है, इसमें 266 प्रजातियां पक्षियों की पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा रंगन थिट्टू बर्ड सेंचुरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रंगन थिट्टू बर्ड सेंचुरी। ये है आपकी श्री रंगापटना कर्नाटका के अंदर पाई जाती है। श्री रंगन थिट्टू बर्ड सेंचुरी कहाँ है? श्रीरंगपटना कर्नाटका के अंदर। इसे सन 1940 के अंदर स्थापित किया गया था। इसका एरिया है 67 हेक्टेयर का। इसमें मिलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड की स्पीसीज हैं जैसे कि यहाँ आपको आपको डार्टर, वाइट इबीज, स्पून बिल्स, ओपन बिल्ड स्टॉक, पेंटेड स्टॉक एंड एग्रेट, हिरोन, रिवर टर्म एटसेट्रा आपको पक्षी यहाँ देखने को मिलेंगे। और रंगन थिट्टू बर्ड सेंचुरी को पक्षी काशी, पक्षी की काशी बोला जाता है कर्नाटका के अंदर। माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माधव नेशनल पार्क आपका पड़ता है शिवपुरी मध्य प्रदेश के अंदर। इसे सन 1959 के अंदर स्थापित किया गया था।
इसमें पाए जाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज जैसे आपको टाइगर बर्ड्स देखने को मिलेंगे। एक समय में यह मध्य प्रदेश के सिंधिया घराने, आप सब ज़्यादा जानते ही होंगे, माधव राव सिंधिया जो ग्वालियर के महाराजा हुए करते थे, तो एक टाइम पे ये उनका शिकार करने का स्थान हुआ करता था। ठीक है, तो इसे 1959 के अंदर स्थापित किया गया था। माधव नेशनल पार्क आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका शिवपुरी मध्य प्रदेश के अंदर। वेदांतंगल वर्ल्ड सेंचुरी, वेदांतंगल वर्ल्ड सेंचुरी इज द ओल्डेस्ट वाटर वर्ल्ड सेंचुरी इन द कंट्री। यह भारत की सबसे पुरानी वाटर वर्ल्ड सेंचुरी है। इसके अंदर हर साल 40,000 से ज़्यादा पक्षी आते हैं। वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विजिट द सेंचुरी ड्यूरिंग द माइग्रेटरी सीजन। तो माइग्रेटरी सीजन के अंदर यहाँ लगभग 40,000 से ज़्यादा पक्षी हर साल आते हैं। तो वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी आपकी पड़ती है कांचीपुरम तमिलनाडु, और इसे 1936 के अंदर बनाया गया था। इसका एरिया है 74 एकड़। इसमें पाए जाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट स्पीचीज हैं जैसे कि आपको यहाँ पिनटेल गार्गेने ग्री वॉट गिल ब्रू विंग टील कॉमन स्नैप डिपर एट्सेट्रा पक्षी टाइप आपको देखने को मिलेंगे। तो वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी कहाँ पड़ती है आपकी? कांचीपुरम तमिलनाडु के अंदर। इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये एक ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो गुजरात के अंदर लिटिल रण ऑफ कच्छ के अंदर है। ये इंडिया की एकमात्र ऐसी सेंचुरी है जहाँ पर इंडियन वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं। इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ये है गुजरात के अंदर। और इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इट इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया। इसका सबसे ज़्यादा एरिया इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है। इसका एरिया है 4,954 स्क्वायर किलोमीटर, और इसे 1972 के अंदर स्थापित किया गया था। इसमें मिलने वाले इंपॉर्टेंट स्पीसीज जैसे कि आपको इंडियन वाइल्ड लाइफ जिन्हें खुर भी बोला जाता है यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। एक बार रिपीट कर देता हूँ, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ये है गुजरात के अंदर, और ये इंडिया की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके अलावा कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बर्ड बाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारे इंडिया के अंदर जो भी काफ़ी बार पेपरों में अंदर पूछी जा चुकी है। तो कुछ मैंने इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंक्लूड की है बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, पहली है हमारी पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी। जैसे कि आप जानते होंगे, सबने पढ़ा होगा पुलिकट लेक। पुलिकट लेक कहाँ है? ये है नेल्लोर आंध्र प्रदेश के अंदर। तो पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी कहाँ है? नेल्लोर आंध्र प्रदेश के अंदर। यह पुलिकट लेक भी यही नेल्लोर आंध्र प्रदेश के अंदर मिलती है। और यहाँ पर आने वाली जो स्पीशीज हैं पक्षियों की वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं ग्रेट फ्लेमिंगो, आपको पता ही होगा ग्रेट फ्लेमिंगो। उसके अलावा है हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लीम अली बर्ड सेंचुरी। स्लीम अली बर्ड सेंचुरी, ये स्टार लगाया है मैंने इसके ऊपर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो स्लीम अली बर्ड सेंचुरी जो हमारे इंडिया के प्रख्यात ओर्निथोलॉजिस्ट मतलब पक्षियों का अध्ययन करने वाले इंडिया के महान ओर्निथोलॉजिस्ट स्लीम अली के नाम पर इनका नाम रखा गया है। यहाँ पर मिलने वाली स्पीसीज आपको मिलेंगी स्ट्रेटेड हीरोन्स, वेस्टर्न रीफ हीरोन्स, लिटिल बीटरेन, ब्लैक बीटरेन एट्सेट्रा। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, ये भी बर्ड सेंचुरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। HSSC के एग्ज़ाम में, जो हरियाणा स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है। तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी आपकी पड़ती है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। गुरुग्राम जो कि गुड़गांव का नया नाम है। इसमें पाई जाने वाली स्पीशीज आपको यहाँ पर इंडियन कोरोमेंट, कॉमन स्पूनबिल, ग्रे फ्रेंकोलिन, ब्लैक फ्रेंकोलिन, इंडियन रोलर एट्सेट्रा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद है हमारा बांकापुर पिकॉक सेंचुरी। बांकापुर पिकॉक सेंचुरी ये पड़ता है आपका हवेरी कर्नाटका के अंदर। इसमें पाए जाने वाली स्पीशीज आपकी पिकॉक, वुडपैकर, ग्रेट हॉर्न ओवल, बैबलर एट्सेट्रा। यहाँ पर पिकॉक को संरक्षित करके रखा गया है। उसके बाद है आपका कुमारकोम बर्ड सेंचुरी। कुमारकोम बर्ड सेंचुरी आपकी केरला में है। यहाँ पर पाए जाने वाले पक्षियों की प्रजातियाँ जैसे कि फ्लाई कैचर, टी, साइबेरियन स्टॉर्क, क्रेन, पैरट्स
वुड बेटल एटसेट्राज। काउंडिनिया बर्ड सेंचुरी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। काउंडिनिया बर्ड सेंचुरी, काउंडिनिया बर्ड सेंचुरी आपको पता है कोलेरू लेक, जो कि क्या है आंध्र प्रदेश की फ्रेश वाटर लेक है, तो ये उसी के किनारे है। काउंडिनिया बर्ड सेंचुरी कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर। इसमें पाए जाने वाले बर्ड की स्पीसीज हैं जैसे कि ग्रे वॉटगिल, ब्लू विंग टेल, कॉमन स्नैप डीपर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। उसके अलावा है मयानी बर्ड सेंचुरी, मयानी बर्ड सेंचुरी आपकी पड़ती है महाराष्ट्र के अंदर। इसमें पाए जाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं जैसे कि आपके आपको देखने को मिलेंगे माइग्रेटरी साइबेरियन फ्लेमिंगो और पिकॉक। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी आपकी पड़ती है गुजरात के अंदर। इसमें पाए जाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जैसे कि यहाँ आपको फ्लेमिंगोज, पेलिकन्स, स्पून सील्स वगैरह देखने को मिलेंगे। ऐसा माना जाता है कि इट इज काउंट एज वन ऑफ द बिजिएस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट इन इंडिया। वन ऑफ द फेमस सेंचुरी गुजरात ही है, गुजरात के अंदर पड़ती है और सबसे फेमस है गुजरात के अंदर। पोरबंदर बर्ड सेंचुरी, द गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंडिया का पहला, ध्यान रखना इंडिया का पहला मरीन नेशनल पार्क कहाँ है? ये आपका द गल्फ ऑफ मन्नार गुजरात के अंदर। कौन से ओशियन में है? ये है इंडियन ओशियन में, ठीक है। तो भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात के अंदर। कौन से ओशियन में बनाया गया है? इसे बनाया गया है इंडियन ओशियन के अंदर। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो, इसके अंदर मैंने जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हमारे नेशनल पार्क और मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी आपके साथ डिस्कस की है। आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि आगे आने वाले एग्ज़ाम आपके IBPS क्लर्क के हैं, रेलवे का है, SSC CSL का एग्ज़ाम है, तो इसमें आपके बहुत बेनिफिट करेगा आपको। इसके अलावा और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं मैंने इसके अंदर सारे डिस्कस कर दिए हैं। तो एग्ज़ाम में अगर स्ट्राइक करेगा क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, आपको 100% इसके अंदर से क्वेश्चन, इस वीडियो के अंदर से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपके समक्ष ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुँचा सकें। शुक्रिया।